प्राप्त निर्देशकों के परिपेक्ष में यातायात विभाग जब चेकिंग अभियान चला रहा था, तब एआरटीओ विवेक शुक्ला ने चेकिंग के दौरान सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवीन गल्ला मंडी के समीप पत्थर से भरे हुए 3 ट्राला पकड़ लिए, क्योंकि उन्हें यह शक हुआ कि ट्राला में ओवरलोड माल भरा हुआ है। पकड़े जाने के बाद जब वह उन गाड़ियों को पीताम्बरा धर्म कांटे पर वजन करवाने के लिए ले गए, तभी वहीं पर कुछ अज्ञात दबंग लोग आए और उन्हें एआरटीओ से अभद्र भाषा में बातचीत की तथा गाड़ियों को छुड़वाने के लिए कहा। एआरटीओ विवेक शुक्ला ने जब ऐसा करने से मना किया, तब वो लोग तरह तरह की धमकियां देने लगे और मौके की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने डायल 100 पुलिस को बुलाया। सूचना पर डायल 100 पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। तब तक इनोवा गाड़ी में सवार होकर सत्ताधारी दल के नेता अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचे और आरटीओ से धमकी देकर गाड़ियों को छोड़ने के लिए कहा। जब उन्होंने गाड़ियां छोड़ने से मना किया, तब लोगों ने उन पर जामलेवा हमला कर दिया। हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। यह पूरी घटना डायल 100 पुलिस की मौजूदगी में हुई, मगर लोग इतने दबंग थे कि डायल 100 पुलिस के 3 जवान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तत्काल एआरटीओ विवेक शुक्ला ने इस घटना की सूचना दी जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को दी, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली पुलिस को अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर देकर मामले से अवगत कराया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 147, 148, 149, 332, 353, 506, 186 धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की है। क्या उन्होंने शिकायत की है, क्या है ए आर टी ओ के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि जब वो चेकिंग कर रहे थे तो ट्राला के जो मालिक हैं और ड्राइवर, उनकी बदलता की गई, उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी फैक्ट्स होंगे, जो सच्चाई होगी, उसके आधार पर हम लोग विधायक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। आपके साथ अभद्रता की गई चेकिंग के दौरान क्या पूरा मामला था? परसों शाम को 16 अक्टूबर की शाम को 5 बजे मैं यहाँ मंडी के बगल में हेलमेट सीट बेल्ट चेकिंग कर रहा था। वहाँ पर 3 ट्राले आए, 22 टायर टायर ट्राले थे, उन पर पत्थर लगे हुए थे और देखने से लग रहा था कि वो ट्राले जो है ओवरलोड है। मैंने उन ट्राले के ड्राइवरों से कहा कि आगे पीताम्बरा कांटा है, चल के उस पर कांटा करा लो। तो उन ड्राइवरों ने मना कर दिया, बोला कि हम ये कांटा नहीं कराएंगे, हमारे मालिक आएंगे तभी जो है कुछ होगा। फिर आगे जो है कांटे के पास ले जाकर ट्रकों को खड़ा कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद उन ड्राइवरों के कहने पर कुछ लोग आए, वो लोग भी जो है मना कर दिए कि गाड़ी जो है कांटा नहीं होगी, गाड़ी ऐसे ही रहेगी। फिर मुझे लगा कि मामला बढ़ेगा, मेरे साथ केवल 2 सिपाही थे। मैंने डायल 100 को फ़ोन किया और पुलिस सहायता 15 मिनट में आ गई। फिर इसी बात में विवाद होने लगा कि आप कांटा कराइए, उन लोगों का कांटा नहीं कराएंगे। तभी वहाँ पर एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आ गए और उन्होंने जो है मुझको धक्का देकर और डरा धमका करके हम सबको भगा दिया, हम लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। क्या गाड़ी के कांटे हो पाए थे कि नहीं? नहीं हो पाए थे गाड़ी के कांटे। मैंने आपको धमका के जबरदस्ती गाड़ी ले गए? हाँ, मुझको धमका करके वहाँ से भगा दिया। मैं भी था, डायल 100 की टीम भी थी, हम सब थे, हम लोगों को वहाँ से हटना पड़ा, भागना पड़ा। फिर उसके बाद आपने FIR दर्ज करी? हाँ, उसके बाद मैं गया, मैंने DM साहब को और SP साहब को सब बातें बताई, फिर मैंने तहरीर करके FIR दर्ज कराई है